और तमाम मोमिनीन और मोमिनात को मेरी जानिब से ईद गदीर के मौका पर मुबारकबाद कबूल हो। इससे पहले कि मैं अपनी ड्यूटी का आगाज करूँ, आप लोगों से गुजारिश है कि दोनों हाथ बुलंद कर कर मेरा साथ दीजिएगा, ताकि नजफ में हमारे वली अली को मालूम हो जाए कि आज बर्मिंघम में कसरे अबू तालिब में क्या कहते हैं हमारे मवाली वेलायत का जाम पीकर तैयार हैं ईद गदीर का जश्न मनाने के लिए। तो दोनों हाथ बुलंद करके कुल ईमान नारा हैदरी। जियो जियो। आप हजरात का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बिल्कुल नहीं जनाब। चंद रिवायात और कुछ अशआर सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। इस्लाम में ईदें तो बहुत हैं, लेकिन जो ईद गदीर है इसकी कुछ और ही फजीलत है। जैसा कि छठे इमाम का इरशाद है कि ईद गदीर जो है ईदों की ईद अकबर है, ठीक है, बड़ी ईद है बेशक। और ईद गदीर जो है हम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ईद है, छठे इमाम से मनकूल है। दूसरी रिवायत जो आज मैं क्या कहते हैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि मौलाए कायनात के सहाबी जनाब कुमैल इब्ने ज़ियाद मौला की बारगाह में हाजिर हुए और मौला से कहा कि मौला आपको अल्लाह ताला ने इतनी फजीलतों से नवाजा है, तो इन फजीलतों में से सबसे जो आपको अजीज फजीलत है उसका वो कौन सी है, कौन सी फजीलत ऐसी है जिस पर आपको बहुत नाज है। तो मौला मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद मौला ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे जितने भी फजाइल मुझे नवाजे हैं वो बाकमाल हैं सारे के सारे, और उन सब पर मुझको फ़ख्र है, लेकिन चार ऐसे फजाइल हैं जिन पर मैं खुद अली नाज करता हूँ। उनमें से सबसे पहला जो क्या कहते हैं फजाइल है कि मौला कहते हैं कि सबसे बड़ी फजीलत जिस पर मैं खुद नाज करता हूँ वो मेरी काबे में विलादत है। मुझसे पहले ना कोई काबे में पैदा हुआ और ता कयामत मेरे बाद कोई भी काबे में पैदा नहीं होगा। शामिल के नारे हैदरी। दूसरी फजीलत मौला ने जो बताई जनाबे कुमैल को कि शबे कदर में नबी के बिस्तर पर सोकर अपने नफ्स को बेचकर मैंने मर्जी खुदा खरीद ली। ये दूसरी फजीलत है जो मौला कहते हैं जिस पर मुझे नाज़ है, शबे हिजरत। तीसरी फजीलत मौला इरशाद फरमाते हैं कि जिस पर मुझे नाज है वो है कि पाक सैयद अज़ारा फातिमा मेरी माता बन के मेरे घर में आई बीबी। और जो चौथी फजीलत जो मौला कहते हैं जिस पर मुझे नाज है, जिसकी वजह से हम आज यहाँ इस महफिल में क्या कहते हैं शामिल हैं, और हम लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए कि हम मौला के मानने वाले और इस महफिल में हमें आने की तौफीक हुई है। मौला कहते हैं कि मुझे जो चौथी मेरी फजीलत है जिस पर मुझे फख्र है वो है मैदान गदीर में जब अल्लाह ताला ने आज से विलायत के मसले पर जब अल्लाह ताला ने सबको इकट्ठा कर कर मेरी विलायत का ऐलान करवाया, वो ना आज तक कभी हुआ है और ना ता कयामत होगा। तो मौला अली खुद ईद गदीर पर नाज फरमाते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर एक सलावत पढ़े। बिस्मिल्लाह। चंद मिसरे जनाब बेताब हलोरी के हैं। अली मौला पैगंबर कह गए, हैं अली मौला पैगंबर कह गए, शेख साहब हाथ मलते रह गए। हैं अली मौला पैगंबर कह गए, शेख साहब हाथ मलते रह गए। शेख साहब आए नहीं है, हाथ इसलिए शायद सर्दी भी ज्यादा पड़ के हाथ मल रहे होंगे। तो एक बड़े साहब ने छोटे से कहा, तो एक बड़े साहब ने छोटे से कहा, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। जितने भी हैं जहां में हमारे बड़े बड़े, उनके नहीं हमारे बड़े बड़े, जितने भी हैं जहां में हमारे बड़े बड़े,
देते हैं मुश्किलों में सहारे बड़े बड़े। जब भी हलाक होने का इम्कान हुआ कभी, जितने भी हैं जहां में हमारे बड़े बड़े, देते हैं मुश्किलों में सहारे बड़े बड़े। जब भी हलाक होने का इम्कान हुआ कभी, आए अली के पास तुम्हारे बड़े बड़े। जब भी हलाक होने का इम्कान हुआ कभी, आए अली के पास तुम्हारे बड़े बड़े। बरुमार लाना तोहफा खुदा ने भेज दिया जुल्फिकार का, तोहफा खुदा ने भेज दिया जुल्फिकार का, हैदर ने पहलवान जो मारे बड़े बड़े। हैदर को फिर हजूर ने खैबर तलब किया, हैदर को फिर हजूर ने खैबर तलब किया, पिट पिट के भाग गए जो सारे बड़े बड़े। और आखिरी शेर समाप्त फरमाइएगा। हाथों पे मुस्तफा ने अली को किया बुलंद, हाथों पे मुस्तफा को अली ने किया बुलंद, बैठे रहे जमीन पर सारे बड़े बड़े।